दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विदेशी टार्च को रिपेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक टार्च है, ये विदेशी टार्च है, ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है और चार्जिंग भी नहीं ले रहा है। चार्जिंग ले रहा है नहीं ले रहा है, चूँकि हमारे पास चार्जर इसके कंपनी वाला नहीं है तो दूसरा चार्जर है जो आपका देसी मिलता है उससे पता नहीं चल पाता है, लेकिन ये जल नहीं रहा है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई इस तरह का टार्च होगा तो आप उसको रिपेयर कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले जब आपका टार्च नहीं जलता है तो आपको चेक कैसे करना है कि इसमें खराबी किस साइड में है, क्योंकि यहाँ से देखिए खुलता है, कोई भी इस तरह का टार्च होगा तो आपका यहाँ से इस तरह से ये खुल जाता है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि यहाँ से इधर फॉल्ट है या यहाँ से इधर फॉल्ट है। तो उसके लिए क्या है, अभी यहाँ हम जला रहे हैं, देखिए कोई भी यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है। सबसे पहला काम होता है आपको सेल चेक करना। ठीक, इस तरह से खोल लेंगे, यहाँ से भी खुल जाता है, पीछे से भी खुल जाता है। खोल के और सबसे पहले आपको सेल चेक करना है कि इसका वोल्टेज कितना है। बैटरी पे प्लस माइनस अपना लगाएंगे और देखेंगे यहाँ पे 370, यानी इस टार्च को जलने के लिए इतना वोल्टेज काफ़ी है। अब सेल आपका चार्ज है फिर भी नहीं जल रहा है, तो अब क्या करिए, यहाँ पे आप चार्जर अपना लीजिए और चार्जर को ऑन कर लीजिए और चार्जर यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, चार्जर कनेक्ट करने के बाद फिर भी अगर ये नहीं जल रहा है, देखिए मैं यहाँ पुश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं जल रहा है, तो खराबी हमारे इसी सेक्शन में है, यानी यहाँ बैटरी से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ चार्जर लगा के आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ चार्जर से प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 20 वोल्ट पे आपको मल्टीमीटर रख लेना है और यहाँ इसका बॉडी जो होता है ये निगेटिव होता है। ठीक, एक अपना ब्लैक पार्ट बॉडी पर रख लेना है और इसका जो प्लस पॉइंट है इस पर आपको यहाँ पर इस तरह से लगा लेना है। तो अभी अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है उसके बाद भी नहीं जल रहा है तो आपका मतलब है चार्जर यहाँ वोल्टेज दे रहा है लेकिन ख़राबी हमारे इस सेक्शन में। तो ये चार्जर हटा देते हैं। अब ये अलग अलग टार्च में खोलने का अलग अलग सिस्टम होता है, कोई यहाँ से खुलता है, कोई यहाँ से खुलता है, ये सब अलग अलग सिस्टम होता है। तो यहाँ से देखिए हम इसको इस तरह से खोल लेते हैं। ठीक, इतना खुल गया। अभी देखिए खोलने के बाद यहाँ पे जो हमारा इसमें एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे अंदर रह गया, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए इतना पार्ट हमारा उसमें खुल के चला गया था। अब इस पार्ट में एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा एलईडी है, यानी जो एलईडी हमारा जलेगा वो एलईडी इस पार्ट में चिपका हुआ है। ठीक, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी हमारा केवल यहाँ हीट सिंक बचा हुआ है, इस पर एलईडी यहाँ से गायब है। तो हो सकता है यही फॉल्ट हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ क्या करिए, फिर से यहाँ अपना इस बॉडी में ठीक है सेल लगा लीजिए। देखिए इस तरह से सेल लगा लेते हैं और सेल लगा के फिर इसको अच्छी तरह से हम टाइट कर देते हैं। टाइट कर लेने के बाद अब जो है कि अपना फिर मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर लेके इन दोनों पॉइंट पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ से जो दो पॉइंट आए हैं प्लस माइनस का, इन दोनों पॉइंट पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो अभी इस पे नहीं आया, एक बार इसके स्विच को ऑन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए ऑन करने के बाद यहाँ पे हमको वोल्टेज कुछ मिला है। एक मिनट, यहाँ चूँकि ये हमारा हीट सिंक ये ढीला हो गया है, इसके नाते यहाँ उस वोल्टेज प्रॉपर देखिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज आ रहा है। जब ये दबता है तो यहाँ प्रॉपर वोल्टेज आता है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम इस टार्च में हमारा ये है कि ये बल्ब हमारा इस हीट सिंक से उखड़ गया है। ठीक, अब अगर नया बल्ब आप लाते हैं तो हो सकता है इसके मैचिंग का बल्ब न मिले। ठीक है, तो नया जब मैचिंग का बल्ब नहीं मिलेगा तो भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो बेहतर ये है कि जो ये उखड़ा हुआ है इसी को हम इसमें चिपका के यानी रिपेयर कर लें। अगर रिपेयर कर लेंगे तो जो कंपनी का इसका आया है एलईडी
वही सेम परफॉर्मेंस हमको मिल जाएगा। देखिए इस तरह से एलईडी उखड़ जाता है, फिर उसके बाद इसको ख़रीदने जाएंगे, चूँकि ये एलईडी हमारा महंगा आता है, ठीक है। और अगर बना इसी को लगा देते हैं तो एक तो ओरिजिनल रहेगा और दूसरा हमारा फ्री में बन भी जाएगा। तो यहाँ से हम सोल्डर दोनों हटा के और हीट सिंक को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने वायर को हटा दिया और हमारा हीट सिंक यहाँ बाहर निकल गया, ठीक। अब इस हीट सिंक पे यहाँ पे हमें इस एलईडी को लगाना है। तो भाई जाहिर सी बात है ये एलईडी हमारे इस हीट सिंक पे आयरन से तो नहीं लगेगा, ठीक। आयरन से हम इसको सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दो उपाय होता है, या तो आप अपने हॉट एयर गन से यहाँ किसी चीज़ पे इसको रख के और इस नीचे से हीट करिए और फिर इस एलईडी को यहाँ पर आप चिपका सकते हैं, या फिर दूसरा एक तरीका होता है कि आप इसको कहीं फिक्स करिए और नीचे से मोमबत्ती जला के इसको हीट करिए तो भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास हॉट एयर गन भी है और मोमबत्ती भी, लेकिन मोमबत्ती से नहीं मैं करूँगा, क्योंकि हमारी तो दुकान है यहाँ पे। देखिए मेरे पास एक है 35 वाट का आयरन इस तरह से, ठीक है। तो इससे मैं यही इसको रिपेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा एलईडी सोल्ड होगा उसको अच्छी तरह से हमें सबसे पहले उस पर सोल्डर लगा लेना होगा। थोड़ा सा हम पेस्ट डालेंगे और पेस्ट डाल के फिर उसके सोल्डर को हम थोड़ा यहाँ अच्छा से मतलब नया कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम सोल्डर को नया कर लेंगे, ठीक। इसको भी कर लिया। इसके बाद जो हमारे एलईडी पे सोल्डर लगे हुए हैं इनको भी हम थोड़ा सा यहाँ ताज़ा कर लेंगे। तो एलईडी छोटा है इसलिए किसी चिमटी वगैरह से पकड़ के और थोड़ा सा यहाँ पेस्ट लगा लेंगे, और थोड़ा सा पेस्ट लगा के फिर अपने आयरन से इसको भी इसका भी सोल्डर हम ताज़ा कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमको इसका भी सोल्डर अच्छा कर लेना, यानी ताज़ा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पे सोल्डर हमारा लग गया, फिर इसको हम साफ़ कर लेंगे भाई, ये गंदगी ना रहे, ठीक है। साफ़ कर लिया। अब हम जो 35 वाट का आयरन हमने आपको दिखाया है उसको हम यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे, ठीक। इसको रख लेने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए, अब इस एलईडी में क्या है कि आपका बीच वाला माइनस है, साइड साइड में प्लस है, तो ऐसे में आपको ये नहीं दिक्कत है कि उल्टा लग जाएगा। आपको करना क्या है, दोनों साइड का एक पॉइंट है और बीच वाला एक पॉइंट है, तो आपको बस इस हीट सिंक को आयरन के ऊपर यहाँ पे रख देना है, ठीक। आयरन के ऊपर रख देने के बाद थोड़ा सा जैसे ही हीट होता है वैसे अपने एलईडी को वहाँ पर आपको रख देना है और आपका एलईडी वहाँ पर अच्छी तरह से चिपक जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा हीट हो चुका है, बस इसके दिशा को आपको देखना है। देखिए इस तरह से इसका जो ये लाइन है उसी हिसाब से आपको इसको यहाँ पे रखना है। सॉरी दोस्तों यहाँ छूट गया है। तो अभी देखिए जैसे ही मैंने यहाँ रखा हमारा एलईडी यहाँ पे अपने आप वहाँ बैठने लगा, ठीक है। तो हमारा देखिए एलईडी यहाँ पे बैठ चुका है। अब इसको बड़े आराम से हम उठा के और यहाँ पे साइड में रख लेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लें कि हमारा एलईडी ग्लो हो रहा है या नहीं ग्लो हो रहा है। तो अभी दोस्तों हमारा एलईडी जो है वो ठंडा हो चुका है, ठीक है। ठंडा हो जाने के बाद अब हम इसको मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो एलईडी ग्लो हो रहा है या नहीं ग्लो हो रहा है। तो मल्टीमीटर को रखेंगे बजर मोड में, ठीक, जहाँ पे बीप का साउंड देता है। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे, तो देखिए इस साइड से तो नहीं जला। मल्टीमीटर का प्राड हम पलट लेंगे, तो पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा एलईडी यहाँ पे ग्लो हो रहा है, यानी हमारा जो एलईडी है वो सही से चिपक गया है। बस अब यहाँ पे हमको प्लस माइनस देखना है, तो प्लस माइनस भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ओके है, चूँकि यहाँ इस साइड में प्लस है और इस साइड में माइनस है। तो वहाँ पे देखिए रखने में बिल्कुल हमारा सही तरीके से ये लग भी गया। अब हम वापस अपने टार्च में ये जो हमारा जिस जहाँ पे हमारा फिटिंग था वहाँ पे हम प्लस माइनस देख के इसके वायर को जोड़ लेते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस देख के हमको बस सोल्डरिंग कर देना है। ये प्लस जुड़ गया, उसके बाद माइनस को भी हम यहाँ पर जोड़ लेंगे।
तो दोस्तों यहाँ मैंने दोनों वायर को जोड़ लिया है। अब यहाँ पे चूंकि जब तक इसको हम टाइट नहीं करेंगे तब तक हमारा थोड़ा सा बाहर फेंका रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जलता है या नहीं जलता, हमारा जो टार्च रिपेयर हो गया नहीं। तो आइए स्विच को ऑन करते हैं। वाह, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा टार्च है वो बिल्कुल जलने लगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेल को निकाल देते हैं, सेल निकाल के और इसको यहाँ नीचे दबा के फिर यहाँ पे ये जो हमारा ये पार्ट है इसको हम यहाँ पे अच्छी तरीके से बैठा देंगे, ठीक। इसको बैठा देने के बाद फिर हम अपना ये जो रिंग लगा है जिससे इसको टाइट कर दिया जाता है तो ये हमारा पार्ट बाहर नहीं आएगा, इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं। तो अभी दोस्तों हमने अच्छी तरह से टाइट कर दिया है, इसके बाद फिर अपने सेल को हम इसमें टाइट कर देते हैं। सेल में टाइट कर दिया, इसके बाद फिर एक बार जला के देखते हैं। तो भाई अभी तो ये नहीं जल रहा है, कोई प्रॉब्लम और हो सकता है या फिर हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गया, चूँकि बैटरी हमारा चार्ज नहीं था। तो बिल्कुल हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो चुका था। तो अभी देखिए चार्जर लगाने के बाद हमारा ये टार्च जो है जलने लगा। फटाफट इसके सभी पार्ट को हम टाइट कर देते हैं। तो हम इसके पार्ट को भी टाइट कर दें और देख सकते हैं अभी हमारा जो टार्च है वो बिल्कुल अच्छी रोशनी के साथ जल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके टार्च का बल्ब उखड़ जाता है, ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप इस ट्रिक से बड़े आराम से आप अपना कम से कम 100 रुपया बचा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।